नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकवकरा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स यहां पर समाप्त हो गए हैं और कमेंट जो बच्चे करते हैं उनसे यहां पर किसी प्रकार की खुशी नहीं मिली है। सभी बातों का पता होने पर भी ऐसी थोड़ा सा अलग फीलिंग्स यहाँ पर महसूस होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते, प्लस आज हमसे जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं योगेंद्र सिंह क्या बोलते हैं। ये कहते हैं सर आपने हमारे 40 दिन खराब कर दिए हैं। बिल्कुल क्लियर तरीके से बोलते हैं 40 दिन खराब कर दिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप बताइए कि हमने जो भी मटेरियल्स दिया है, वो नोटिफिकेशन में जो दिया था फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड के सभी पोर्शन से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी और प्लस हिंदी में भी। पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसा इतना मटेरियल्स किसी ने नहीं दिया है। 100+ से ऊपर हमने वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, किसके लिए, सिर्फ आपके लिए। और जो भी हमारा नोटिफिकेशन में दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया है। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि सर आपने हमारे 40 दिन खराब कर दिए हैं, और इसके वीडियो के बीच बीच में ये भी कहते रहते थे कि आपको इनसे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन तैयार करते रहना है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो डालने शुरू किए फ्रेंड्स, उसमें क्या था कि हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डालने शुरू किए, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन हमने फिर उसका पैटर्न चेंज कर दिया, थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए, यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन में दिया था उससे बाहर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आपको मटेरियल्स दिया है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप हमने 8th और 10th लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए हैं, लेकिन बाद में थोड़े बहुत दिए हैं, अन्यथा सभी यहाँ पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर आप फ्रेंड्स जब आप ऐसा कमेंट करते हो थोड़ा सा अजीब महसूस होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चे इस तरीके की थॉट रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं लालचंद मीना क्या बोलते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगी, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए कि आपका नोटिफिकेशन में क्या लिखा था। नोटिफिकेशन में लिखा था लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग क्लियर तरीके से लिखा होता 12th स्टैंडर्ड के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग की यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो पड़ी होगी, ठीक है, आप सर्च कीजिए लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन, आप जितने भी निकालोंगे ये 7-8 टॉपिक ही जो हमने पढ़ाए फ्रेंड्स यही हमारे सर्च में आएंगे, ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। अब जब फ्रेंड्स सारा पैटर्न ही चेंज हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल ही चेंज हो चुका है, इंग्लिश में दिया है हिंदी में नहीं दिया है, यानी कि बहुत सी बातें यहाँ पर चेंज देखी गई है, तो फ्रेंड्स लॉजिकल रीजनिंग की कोई खास बड़ी बात नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग को हटाकर नॉर्मल क्वेश्चन लगा दिए हैं, ठीक है, यानी कि पैटर्न चेंज हुआ है और इसी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स जो बात सच है सच ही रहेगी, उसको झुठला नहीं सकता कोई भी, और जो हमारा सिलेबस में था उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इतनी मेहनत किसी और के लिए नहीं की है, सिर्फ आपके लिए की है। जब आप इस तरीके कमेंट करते हो थोड़ी सी अलग सी फीलिंग्स महसूस होती है कि बच्चे किस तरीके के यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर इसके बाद, सर रीजनिंग टोटली डिफरेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम इससे पहले वाली बात की है, टोटली डिफरेंट किस लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग आना था वहाँ पर डिफरेंस क्वेश्चन आए हैं, आरएम इलेक्ट्रॉनिक्स पता नहीं कहाँ से डाल दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप चेंजिंग देख लीजिए, बेकार। डिक्टेशन टेस्ट में उस बीएसएफ वाले को खुद पता नहीं था कि क्या पढ़ा रहा है, यानी दिमाग ख़राब कर दिया फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ पर डिक्टेशन बोलते थे, डिक्टेशन में बच्चे बोलते थे कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोलने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है, और आप यूट्यूब पर बोल सकते हो, इससे एक्स्ट्रा कहीं और जाकर नहीं बोल सकते। वहाँ पर आपको बोलना था कि सर हमारे समझ में नहीं आया, वो टेंशन आपकी फ्रेंड्स, लेकिन हमने आपको पूर्ण मटेरियल्स अपनी तरफ से बिल्कुल सही होने की कगार पर दिया है, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल इन ओनली वन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, और सर आपकी वाली लॉजिकल रीजनिंग नहीं आई। तो फ्रेंड्स लॉजिकल रीजनिंग पर काफ़ी बात बनी हुई है, और लॉजिकल रीजनिंग जो हमने बताया है फ्रेंड्स वही होती है। हम अब भी कहते हैं, जो बच्चे कमेंट अब भी कर रहे हैं कि नहीं आई, तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम बनी है, और इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट हुआ है। यदि ये क्वेश्चन हिंदी में आते तो आपको बड़ी क्लियरिटी से समझ में आ जाते हैं, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आप बहुत से कर पाते, लेकिन हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में आया, तो इसकी वजह से बच्चे को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रजेश यादव क्या बोलते हैं।
ये अच्छा कमेंट माना जाएगा। ब्रजेश यादव, सर हमें इंग्लिश समझ आई, आंसर हिंदी में दिया, कोई दिक्कत होगी बताए। तो फ्रेंड्स, हमने बाद में कमेंट लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा पूछ रहा है कि वहाँ पर इंग्लिश में आया था, इन्होंने हिंदी में आंसर दिया है। इन्होंने क्या किया, वहाँ के जो कमांडेंट थे फ्रेंड्स, उनसे पूछ लिया, बीएसएफ वालों से पूछ लिया कि हम हिंदी में आंसर दे दें। उन्होंने बोल दिया कि हाँ दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर कोई भी नोटिस, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम में लेवल नहीं था कि इंग्लिश में एग्ज़ाम आया और आप हिंदी में दे सकते हो, लेकिन उन्होंने बोल दिया और आपने उन्हीं के अकॉर्डिंग कर दिया। तो फ्रेंड्स, इससे आपको, हम अपनी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि बीएसएफ वाले जब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस बात में भी कोई यहाँ पर सच्चाई नहीं लगती, ठीक है। वो तो अब बाद में पता चल पाएगा कि वे एडजस्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पर कमेंट लाए हैं और कमेंटों के अकॉर्डिंग जो हम आपको बता रहे हैं, जब इस तरह के कमेंट आते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अलग सा आभास होता है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से तैयारी की है। और कोई भी एक बच्चा कमेंट करके बताए कि हमने अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत नहीं की है, ठीक है, और सिलेबस से एक्स्ट्रा कोई भी एक भी टॉपिक पढ़ा है, तो आप हमें कमेंट करके बिंदास बता सकते हो कि हमने नोटिफिकेशन में जो आया था उससे अलग पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, ये बात कुछ नहीं होती, ये तो बस थॉट की बात होती है कि आपकी फीलिंग्स किस आधार से बनती है, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये सिले मिलता है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, आगे से इतनी मेहनत करने का मन भी नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अब जो हो गया तो हो गया, उसे छोड़ दीजिए, अब तो केवल अपने अच्छे भविष्य के लिए हम आपके लिए कामना करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि आपकी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जॉब में रुचि बन जाए और आप हमसे जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।